हेलो फ्रेंड, चाणक्य एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत ही बड़ी अपडेट, टीचर भर्ती संबंधित बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराने का आदेश है और आपका आधार वेरिफिकेशन, तो इस सब के बारे में हम जो है बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, ठीक है। यहाँ से एक आदेश जारी हुआ है, आज ही जारी हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या जानकारी है काउंसलिंग से संबंधित, आधार अपडेट संबंधित, पूरी जानकारी आप तक शेयर करूँगा मैं, ठीक है। तो 2 जुलाई 2023 को क्या आया था, लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता की, ठीक है। तो आगे देखिए साथियों, व्याख्याता के पदों हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है और जैसे ही व्याख्याता का होगा उसके जल्द तुरंत बाद ही आपका टीचर का होगा, फिर सहायक शिक्षक का होगा। तो आप जो है अपनी तैयारी करके रखें, जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा ये सब की तैयारी करके रखें। और क्या जानकारी है देखिए आगे, इस प्रक्रिया के अंतर्गत समस्त अभ्यर्थियों को अपने आधार नंबर को, ठीक है, आधार के साइड में आप जाइएगा, लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपका दिखाता है कि आधार को आपको क्या करवाना है, वहाँ पर लिंक करवाना है, उसको वहाँ पर इनरोलमेंट करवाना है, लिंक करना है आपके आधार को, ठीक है ना। तो ये आप जो है जल्द से जल्द कर लीजिए, मैं आगे बताऊँगा इसमें कि किस तरह से आपको करना है। तो आधार नंबर को लिंक किए बिना काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपकी काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप जो है जल्द से जल्द आधार को आप लिंक कर लीजिए वहाँ पर। देखते हैं आगे प्रोसेस किस तरह से आप उसको लिंक करना है। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है, व्यापम के वेबसाइट में जाकर लॉगिन करना है। चलिए देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले जाना है व्यापम के साइड में और यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। आधार वेरिफिकेशन के हम प्रोसेस देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। चलिए लॉगिन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आ रहा है लिंक यूअर आधार, ठीक है, ओनली कैंडिडेट आधार, ठीक है। यहाँ पर आपको आधार को लिंक करना है। चलिए फ्रेंड्स आगे करते हैं, लिंक में क्लिक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आधार लिंक का मैं प्रोसेस ओपन किया हूँ। यहाँ पर आप दो तरह से आधार का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आप बायोमेट्रिक के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो बायोमेट्रिक कर सकते हैं चॉइस सेंटर में, या आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो OTP के माध्यम से भी आप जो है अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए साथियों करते हैं प्रोसेस आगे। तो मैं जो है मोबाइल नंबर के थ्रू जो है आगे मैं करना चाह रहा हूँ, तो ठीक है साथियों, बने रहिए आप वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। आप आधार डालिएगा, आधार नंबर, ठीक है, उसके बाद जो है आपके में क्या आ जाएगा, OTP, गेट OTP में क्लिक करिएगा, आपके में क्या आ जाएगा, OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, OTP आने के बाद आपको क्या करना है, आगे नीचे OTP डालना है और आगे प्रोसेस कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका हो जाएगा सक्सेसफुली। देखिए साथियों, यहाँ पर आधार वेरीफाइड प्रोफाइल, ठीक है, बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही ईजिली आप जो है ये कहूँ कि आप 1 मिनट में जो है अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकें, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमारा जो है उत्साह बढ़ता है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आने वाली और अपडेट की जानकारी आपको मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।